हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेम सिंह है। आज हम आपको राजस्थान से एक डेजर्ट से जो सांगरी होती है, जो खेजड़ी के पेड़ पे लगती है, तो ये गर्मी के दिनों में लगता है, ये पौधा है। तो इस पे जो सांगरी आ रही है, सांगरी को जैसे एक शॉर्ट टाइम के लिए कलेक्ट किया जाता है, जब फ्रेश होती है तो इसकी वेजिटेबल बनती है और स्टोर किया जाता है ऑल ओवर द ईयर के लिए। और अगर जब तोड़ नहीं पाते हैं तो इसको भी तब भी कंज्यूम किया जाता है। तो इसको लोकल लैंग्वेज में खोका बोलते हैं, खोका सांगरी के, जो एज एन ड्राई फ्रूट्स मेवे की तरह होता है। तो ये मैंने कुछ जैसे कलेक्ट की है, सांगरी के पेड़ से नीचे गिरी हुई है। ये पुराने टाइम में लोगों के पास फ्रूट डेजर्ट में इतना होता नहीं है समर सीजन में, तो लोग इसे ही कंज्यूम करते थे। आई थिंक ये फूड हिस्ट्री आपको पसंद आएगी। तो इसको जैसे कंज्यूम करने के लिए आपको इसको डायरेक्ट कंज्यूम करना पड़ता है, जो सीड्स होंगे वो आपको निकालने पड़ेंगे मुंह से। आई थिंक आपको पसंद आएगा ये फूड स्टोरी बाय प्रेम सिंह राठौड़ ऑन रावली रसोई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।